हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कल लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो आप हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं और उनको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंड टू 0 ln 5 plus x minus ln 5 minus x अपॉन में x। तो इसे सॉल्व करना है। आप लोग को एक मिनट देते हो, आप इसका ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने क्या पढ़ा है, ln ऑफ 1 प्लस x पढ़ा है। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को कॉमन कर लेंगे, ln 5 1 प्लस x अपॉन में 5 माइनस ln, यहाँ से 5 कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस x अपॉन में 5 अपॉन में क्या हो जाएगा x। अब m log m into n क्या हो जाएगा, log m plus log n हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 5 प्लस ln 1 प्लस x अपॉन में 5 माइनस, यहाँ पे आएगा ln 5 और माइनस ln 1 माइनस x अपॉन में 5 अपॉन में क्या हो गया x। ये ln 5 और ये ln 5 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट हो गया क्या बचा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन में 5 अपॉन में x माइनस ln 1 माइनस x अपॉन में 5 अपॉन में x। ओके, अब क्या किया, यहाँ पे log में 1 प्लस x है, यहाँ पे 5 के प्लेस पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 कर दें, यहाँ पे भी 5 कर दें। ओके, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, सॉरी ये वैल्यू मिल जाएगी 1। क्या हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन में 5 माइनस, यहाँ पे क्या किया, माइनस साइन है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस 1 आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस x होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीपल माइनस से डिवाइड कर देते हैं। क्या किया, माइनस यहाँ पे किया, माइनस यहाँ पे कर दिया, तो ये वैल्यू क्या होगी 1, और ये माइनस एंड माइनस कर देगा प्लस, क्या हो गया हमारे पास 1 अपॉन 5। तो आंसर क्या है हमारे पास, 2 अपॉन में 5। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x माइनस x स्क्वायर
minus fractional part of x, okay, and product में है fractional part of minus x upon में x cos x minus x square minus fractional part of x and fractional part of minus x. ऑप्शन ए यहाँ पर, ऑप्शन ए माइनस वन बाई थ्री, ऑप्शन बी वन बाई थ्री, ऑप्शन सी वन एंड ऑप्शन डी डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात करते हैं हम लोग. देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन आ गया है. तो हमने क्या पढ़ना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पढ़ना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन अगर आप देखते हैं, मैंने जीरो है तो जीरो से पॉजिटिव, जीरो से नेगेटिव देख लेते हैं. जीरो मेरे पास यहाँ पर जीरो से पॉजिटिव यहाँ पे क्या होगा, हॉल हो, यहाँ पे क्या होगा, हॉल हो. ये क्या होगा हमारे पास x प्लस वन और ये होगा हमारे पास x. ओके, तो ये हो गया. अब हमने एक और पढ़ा है क्या कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जीरो होती है जब x होता है इंटीजर और वन होती है जब x क्या होता है इन डज नॉट इंटीजर. तो इस बारे में बात करते हैं हम लोग. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो गया, अब हम इसकी बात करते हैं जीरो पे हम फंड करना है. तो एक बार लिखते हैं एल एच एल और एक बार लिखते हैं आर एच एल. यहाँ पे लेते हैं एल एच एल. एल एच एल के लिए क्या होगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या होगा हमारे पास जीरो निगेटिव. ओके, साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा माइनस में एक्स स्क्वायर है. अच्छा ये जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन, ये फंक्शन क्या बन जाएगा, जीरो निगेटिव के लिए हमारे पास क्या रहेगा इधर से पोर्शन, ये पोर्शन क्या होगा हमारे पास, इसके लिए हमारे पास क्या है एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन है ना हमारे पास वाई की वैल्यू. तो हमारे पास आंसर क्या होगा, फ्रैक्शन वाला फंक्शन क्या आएगा हमारे पास एक्स प्लस वन. अब इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे जीरो निगेटिव मतलब क्या हो गया, जीरो निगेटिव मतलब हो गया इंटीजर नहीं है. इंटीजर नहीं है क्या जाएगा हमारे पास, दिस वैल्यू इक्वल टू वन, वन हो जाएगा. तो ये वैल्यू मालूम है कि एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है वन, वन और वन खत्म हो गया क्या हो गया, इसकी वैल्यू माइनस एक्स आ जाएगी. तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास माइनस एक्स इस फंक्शन की वैल्यू अपॉन में, अपॉन में क्या होगा x cos x माइनस x स्क्वायर और ये वैल्यू अभी किया हमने यहाँ पर x प्लस वन और माइनस x. इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है हमारे पास साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो निगेटिव साइन एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया एक्स अपॉन में क्या हो गया एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा एक्स. यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बच गया हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो निगेटिव साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन में एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स. एक्स कॉमन लेके खत्म कर देते हैं, क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो निगेटिव, एक्स कॉमन लिया क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस वन अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वन हो जाएगा. लिमिट अप्लाई करेंगे क्या हो गया वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन, आंसर आया टू अपॉन में टू इक्वल टू क्या रहेगा वन. ओके, इतना नोट कर लो.
एलएचएल हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, इस पोर्शन को रख कर रहा हूं या ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इक्वल टू 0 और 1। x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो अब हम कहते हैं यहाँ पे आरएचएल की बात, आरएचएल की बात करते हैं। आरएचएल भी सेम है, सेम क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। अच्छा, 0 पॉजिटिव ये क्या है हमारे पास, x प्लस 1 है, ये क्या x है, 0 पॉजिटिव के लिए क्या होगा हमारे पास, ये रख लाइन होगी, ये क्या हो जाएगा x, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारे पास sin x माइनस में x स्क्वायर माइनस में, ये वैल्यू क्या है 0 पॉजिटिव के लिए, ये लाइन है x, तो हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट क्या लेगा, x मिलेगा। अब 0 पॉजिटिव मतलब क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा क्या हो जाएगा, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 माइनस में x आएगी। ओके, अपॉन में क्या होगा हमारे पास, ये पोर्शन x cos x माइनस में x स्क्वायर माइनस में x इनटू 1 माइनस x। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव क्या बनेगा, sin x माइनस x स्क्वायर माइनस x और माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर रखा हुआ क्या हो जाएगा, माइनस x अपॉन में x cos x और माइनस x, तो 0 बाय 0 फॉर्म मिल रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म मिल रहा है। तो क्या करेंगे यहां पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन में x हो जाएगा हमारे पास, x कॉमन लेके डिवाइड कर दें, क्या आएगा sin x अपॉन में x माइनस में 1 अपॉन में, ये हो जाएगा हमारे पास एक मिनट, इसको साइन एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स और माइनस में 1 हो जाएगा। ओके, अच्छा अब ध्यान से देखो हमारे पास ये वैल्यू क्या मिल रही है, हमारे पास ये वैल्यू हो रही है हमारे पास x 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 1, तब क्या करेंगे, क्या किया हमने यहाँ पर, हमारे पास है साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन में क्या है, यहाँ पे एक्स है, और इनटू में क्या लिख दिया, 1 अपॉन में कॉस एक्स माइनस 1 लिख दिया। ओके, तो अगर यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर किया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर किया, तो एक आइडेंटिटी में पड़ेगा क्या कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन x अपॉन में x क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1/6 पढ़ी है, और एक पढ़ा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो ये वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, ये वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस 1/6। तो अप्लाइंग लिमिट वैल्यू मिलेगी माइनस 1/6, और ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, बस इसका रेसिप्रोकल लिखा है, मतलब क्या है,
cos x माइनस वन का आएगा माइनस टू, तो आंसर क्या आएगा वन बाय थ्री। यहां पे वन है, यहां पे वन बाय थ्री है, मतलब क्या हो गया कि LHL does not equal to RHL, तो लिमिट क्या होती है does not exist। ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो a cos x plus b x sin x minus 5 upon x raised to 4 exists and finite then find the value of a and b and also find the limit। ओके मतलब हमें क्या करना है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ साथ क्या करना है लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके क्या करेंगे अब हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि a cos x b sin x माइनस फाइव है, मतलब क्या हुआ हमारे पास अगर यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा जीरो। अगर ये पोर्शन जीरो है तो न्यूमरेटर क्या होगा ये भी जीरो होगा क्योंकि जीरो बाय जीरो फॉर्म होगा और एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया जीरो बाय जीरो फॉर्म ही बनना चाहिए। जीरो बाय जीरो बनेगा तो क्या करेंगे हम लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए टाइम्स इसको पहले एक्सपांड कर देते हैं मतलब यहाँ पे कॉस एक्स का एक्सपांशन लिखते हैं क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। x साइन में क्या होता है बी एक्स साइन का होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एक्स रेस टू 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये माइनस में 5 है अपॉन में है हमारे पास x रेस टू में 4। इसे सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करने के लिए करना है तो ओके इसे नहीं सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या है अब नीचे 4 है तो क्या करना है हमारे पास सबसे पहले एब्सोल्यूट टर्म क्या होगा एब्सोल्यूट टर्म 0 होगा फिर कोफिशियंट ऑफ एक्स जीरो होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स जीरो होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो होगा फिर कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब जीरो होगा और जो कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू 4 होगा वो क्या होगा वही हमारे पास लिमिट की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन को रख कर लिख दूंगा उसको तो पहले यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट टर्म क्या होगा a यहाँ पे है भी a माइनस 5 इक्वल टू 0 है एब्सोल्यूट टर्म क्या है a माइनस 5 इक्वल टू 0 तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई a इक्वल टू 5।
कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पे देखेंगे, यहां पे x मिलेगा नहीं, यहां पे भी नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं, ये टर्म तो है ही नहीं। x स्क्वायर देखते हैं, x स्क्वायर माइनस में a by 2 माइनस a by 2 क्यों, क्योंकि यहां 2 फैक्टोरियल है, प्लस में क्या है हमारे पास b और तो है नहीं हमारे पास, ये टर्म क्या हो गया 0, तो b क्या आ गया हमारे पास b इक्वल टू a by 2 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो b आ गया हमारे पास 5 by 2। x क्यों देखेंगे, हमें a भी तो फाइंड करना था, x क्यों ले लेते हैं, क्या है हमारे पास a है नहीं हमारे पास, यहां पर भी नहीं है, तो ये टर्म भी नहीं है, तो a और b मिल गया। अब बात करनी है हमारे पास कि लिमिट की क्या वैल्यू होगी, लिमिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये भी पुट कर लेते हैं, क्वेश्चन को रख दिया, क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 4 इक्वल टू क्या होगा वैल्यू ऑफ लिमिट। ओके क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है हमारे पास x to 4 है, तो न्यूमरेटर में x to 4 ही होगा हमारे पास, यहां पे x to 4 क्या आएगा a अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, फिर यहां से क्या आएगा हमारे पास, यहां पे आएगा b अपॉन में प्लस माइनस b अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 और कुछ होगा नहीं, इक्वल टू क्या है हमारे पास वैल्यू ऑफ लिमिट, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे आके, ये रख कर दो, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है, क्या हो गया 5/24, यहां पे क्या है 5/2 है, मतलब क्या होगा 5/12 इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिमिट, तो वैल्यू लिमिट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, लिमिट की वैल्यू क्या होगी, यहां पे 2 से मल्टीपल करो तो 24 बन जाएगा, 10 अपॉन में 24, 5 माइनस 10 क्या हो जाएगा -5, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ लिमिट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan स्क्वायर x माइनस में x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर tan स्क्वायर x, क्या करेंगे यहां पर, हमारे पास क्या है x टेंडिंग टू 0
जीरो पुट करेंगे क्या आएगा, टेन जीरो माइनस जीरो अपॉन में, फर्स्ट पहले क्या करेंगे इसको एक्स स्क्वायर किया और एक्स स्क्वायर किया तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू शांत हो गई हमारे पास क्या हो गई वन, ये वैल्यू शांत हो गई क्या हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स अपॉन में एक्स रेज टू फोर, इसका मैं बीच पर लगा देते हैं क्या हो जाएगा लिमिट टेन एक्स प्लस एक्स और टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स रेज टू फोर। अच्छा अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो क्या जाएगा हमारे पास टेन एक्स प्लस एक्स अपॉन में एक्स किया इंटू में यहाँ पे क्या किया टेन एक्स माइनस में एक्स अपॉन में एक्स क्यूब कर दिया। ओके अब अभी आपको इससे पहले कल हो जाएगा क्वेश्चन में टेन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स फाइव टू बाई फिफ्टीन एक्स एस टू फाइव टू बाई फिफ्टीन एक्स एस टू फाइव प्लस एंड सो ऑन, ये होता है टेन एक्स माइनस एक्स क्यूब ही आई हमारे पास एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू बाई फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ओके क्यूब डिवाइड कर दो आगे टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब क्या आएगा 1 by 3 plus 2x square upon में 15 plus and so on, limit apply करोगे तो इसकी value क्या आएगी 1 by 3, इस portion की value क्या आएगी हमारे पास 1 by 3 और यहाँ पे क्या करेंगे separate divide कर देते हैं tan x upon में x plus 1 और यहाँ हो गया tan x minus x upon में x cube, ये value क्या आ गया हमारे पास 1 plus 1 और ये आ गई 1 by 3, आंसर क्या हो गया हमारे पास 2 by 3, नोट कर लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर प्लस साइन टू एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स एक्स इज एंड फाइनाइट देन फाइंड ए एंड बी and also the limit.
यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 4 प्लस साइन 2x है, साइन 2x को कोई भी एक्सपेंशन तो होता नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे हमारे पास x के प्लेस पे क्या है 2x है, तो 2x रख देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, f(x) है हमारे पास, f(x) क्या है हमारे पास बोल देते हैं 4 प्लस साइन 2x प्लस a साइन x प्लस b cos x और कॉन में x स्क्वायर, 0 पुट करें तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर 0 है तो न्यूमरेटर में क्या होगा 0 होगा क्योंकि फाइनाइट वैल्यू है हमारे पास और एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या करेंगे हम यहां पे एक्सपेंशन कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 प्लस इसका आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2x क्यूब अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2x रेस टू 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल सॉरी 3 फैक्टोरियल यहाँ पे प्लस एंड सो ऑन माइनस एंड सो ऑन, ओके फिर इसका एक्सपेंशन कर देंगे a x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल x रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ओके यहाँ पे करेंगे प्लस नीचे कर देता हूँ यहाँ पे b 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, अपॉन में गया हमारे पास अपॉन में है एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अगर न्यूमरेटर पर क्या है 0 है तो न्यूमरेटर पार्ट क्या होगा वो भी 0 ही होगा, 0 होने के लिए क्या होगा इससे पहली बार कि एब्सोल्यूट टर्म क्या होगा 0 होना चाहिए, क्यों क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, एब्सोल्यूट टर्म 0, कोएफिशिएंट ऑफ x 0, ओके एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा वैल्यू ऑफ लिमिट। अच्छा, अब बात करते हैं कोएफिशिएंट की, तो एब्सोल्यूट टर्म क्या होगा 4 यहां से मिलेगा नहीं यहां से भी नहीं मिलेगा यहां से मिलेगा, क्या मिलेगा 4 प्लस b इक्वल टू 0, 4 प्लस b इक्वल टू 0, क्या आ गया b इक्वल टू माइनस 4, b की वैल्यू माइनस 4 आ गई। कोएफिशिएंट ऑफ x की बात करते हैं, x क्या है 2 है, 2 प्लस a है यहाँ पे है नहीं, क्या है हमारे पास 2 a यहाँ पे है नहीं, यहाँ हो गया हमारे पास 2 प्लस a इक्वल टू 0, तो a क्या आ गया हमारे पास माइनस 2। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बात करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बात कर करेंगे क्वेश्चन को रख कर देते क्योंकि नीचे जगह नहीं, 4/2 तो वैल्यू ऑफ लिमिट क्या आ गई 2। ओके नोट कर,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिफर द फिगर द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव थ्री टाइम्स f ऑफ x क्यूब माइनस में साइन क्यूब एक्स अपॉन में x रेस टू फोर माइनस एफ ऑफ साइन क्यूब एक्स साइन एक्स क्यूब अपॉन में एक्स इक्वल टू वेयर डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन and plus equal to minus. Okay, diagram diya hamare paas. ऑप्शन डी ऑप्शन नंबर ए 3 है, ऑप्शन नंबर बी 4 है, सॉरी 5 है, ऑप्शन नंबर सी 7 है एंड ऑप्शन नंबर डी 9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से सॉल्व कीजिए। देखो कैसे करेंगे, हमें क्या पूछा है, जीरो निगेटिव की बात करनी है। जीरो निगेटिव करेंगे यहाँ पर क्या आएगा, जीरो निगेटिव यहाँ क्या आएगा, निगेटिव आएगा क्योंकि निगेटिव है स्क्वायर क्यूब है, निगेटिव माइनस निगेटिव निगेटिव आएगा। और ये पोर्शन क्या हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब ये जो फंक्शन है हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, मतलब एक्स क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में एक्स टू फोर की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। नेगेटिव है और नेगेटिव क्या है, जीरो, नेगेटिव है मतलब जीरो। जीरो नेगेटिव के लिए क्या हमारे पास, ये किसको टर्न कर रहा है, अपवर्ड हमारे पास थ्री किसको टर्न कर रहा है, थ्री पॉजिटिव को। जीरो नेगेटिव फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, फंक्शन ऑफ जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव क्या है, अपवर्ड टर्न हो रहा है, अपवर्ड मतलब थ्री पॉजिटिव, थ्री ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, थ्री पॉजिटिव, क्या आ गया, थ्री इंटू थ्री पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, फिर ये इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है साइन इसका क्यूब है, साइन क्या है हमारे पास, साइन एक्स अपॉन में यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू वन हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू वन हो गई, मतलब क्या किया आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे क्या हो गया क्यूब, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, वन जीरो नेगेटिव के लिए, ये वैल्यू वन और ये वैल्यू क्या है, जीरो नेगेटिव का स्क्वायर, मतलब क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ये वैल्यू पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव मिलेगी हमारे पास, टू पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, टू पॉजिटिव। ओके, एक मिनट,
ये वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे ग्रेटर मिल जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा हमारे पास, जीरो पॉजिटिव जीरो से लेके वन तक ये ग्रेटर इंटीजर, ये कौन से क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जैसे समझे आप क्या है, यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर, यहाँ पे देखो फंक्शन के बाहर ग्रेटर इंटीजर था, यहाँ पे क्या है फंक्शन के अंदर ग्रेटर इंटीजर, मतलब क्या होगा यहाँ पर जीरो जीरो नेगेटिव का स्क्वायर, जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव क्या है, जीरो पॉजिटिव का ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। और फंक्शन ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, फोर है, यहाँ पे क्या माइनस में फोर, ये क्या हो गया नाइन पॉजिटिव। नाइन पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर इंटीजर ऑफ नाइन पॉजिटिव क्या आएगा, नाइन, नाइन माइनस में क्या आएगा फोर, आंसर क्या आएगा फाइव। इसको डायग्राम से ही समझना था, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस में साइन क्यूब अपॉन में एक्स टू फोर है, एक्स क्यूब कॉमन कर लिया, कॉमन किया क्या है वन माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में, एक्स क्यूब अपॉन में क्या आया एक्स आया, यहाँ पे एक्स क्यूब था, यहाँ पे एक्स क्यूब आया एक्स स्क्वायर से मल्टीपल कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास वन माइनस साइन वन हो जाएगा, तो वन साइन वन माइनस वन अपॉन में एक्स आ जाएगा, तो क्या है हमारे पास एक्स क्या जीरो अपॉन में क्या आएगा एक्स, एक्स क्या है हमारे पास जीरो निगेटिव, जीरो निगेटिव किसी नंबर में अपॉन में क्या निगेटिव नंबर होता है तो क्या मिलता है निगेटिव पार्ट मिलता है, निगेटिव पार्ट मिला तो हमारे पास ये जीरो है, जीरो निगेटिव के लिए हमारे पास ये कर रहा है हमारे पास, और ये क्या है अपवर्ड टर्न कर रहा है, अपवर्ड टर्न कर रहा है हमारे पास, अपवर्ड टर्न करने का क्या होता है थ्री पॉजिटिव टर्न कर रहा है, थ्री पॉजिटिव होगा फंक्शन की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू थ्री पॉजिटिव, मल्टीपल में थ्री था तो थ्री इंटू थ्री पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ पे क्या फंक्शन के अंदर है हमारे पास ये वैल्यू तो वन मिल गई हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, वन इंटू जीरो निगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव का हमारे पास ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा जीरो, जीरो से लेके वन तक ग्रेटर क्या होता है जीरो होता है, ये वैल्यू जीरो। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है फोर, यहाँ क्या है फोर, थ्री पॉजिटिव इंटू थ्री नाइन पॉजिटिव, नाइन पॉजिटिव का ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा नाइन, नाइन माइनस फोर क्या आएगा फाइव। ओके नोट कर लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन टू एक्स प्लस ए साइन एक्स अपॉन में एक्स क्यूब इज फाइनाइट एंड इक्वल टू एल, देन फाइंड ए एंड एल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड एल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन प्लस को ओपन किया, फाइन फॉर्मूला ओपन किया साइन टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स,
अब फॉर्म में क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब है। ओके साइनस कॉमन कर लेते हैं, क्या है हमारे पास 2 cos x और प्लस a अपॉन में क्या है x क्यूब। एक x को दे देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन में x और यहां पे क्या किया 2 cos x प्लस a अपॉन में x स्क्वायर। ये तो वैल्यू क्या हुई बस, तो ये भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू अगर माइनस 2 हो जाए तो ये वैल्यू क्या देगी माइनस हाफ हो जाएगी, ए की वैल्यू माइनस 2 हो जाए क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या आएगा cos x प्लस a बाई 2 अपॉन में x स्क्वायर। x इसके प्लेस पे क्या माइनस 1 रख दें तो क्या आता है, क्यों, क्योंकि वी नो दैट लिमिट x tending to 0 1 minus cos x upon में x square equal to क्या होता है half होता है, यहाँ पे इसके प्लेस पे minus 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा half हो जाएगा minus half हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया a by 2 equal to minus 1, a क्या आ गया हमारे पास minus 2, a की वैल्यू क्या आ गई minus 2, a की वैल्यू minus 2 आ गई, हमें क्या करना है l की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होगा हमारे पास एल की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे अगर माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस 2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू तो बहुत पहले से लिखना की बात है, बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर, तो 2 टाइम्स कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन कर लेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 कॉमन किया गया बचा कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होती है माइनस हाफ, तो क्या आएगा 2 इंटू अप्लाई लिमिट 2 इंटू माइनस हाफ, आंसर क्या आएगा माइनस 1, तो एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 1। ओके एल की वैल्यू माइनस 1, ए की वैल्यू माइनस 2। ओके नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल लिमिट, ज्योमेट्रिकल लिमिट इसको कैसे मतलब इसमें क्या होता है, तो क्वेश्चन देते हैं तुम एक एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल थीटा एज शोन, लेट ए थीटा बी द एरिया बिटवीन द कॉर्ड PQ and the arc PQ. Okay, and let B theta be the arc
with an area between the tangents, tangent line PR and QR. Okay. And RPQ. Then find limit theta tending to zero, A theta upon B theta. Diagram दिया हुआ है बस. Q, P, C, theta. ये जो एंगल है, ये वाला जो साइड एरिया है, ये दिया हमारे पास ए थीटा, और ये जो एरिया दिया है, ये दिया है बी थीटा. ये एंगल थीटा गिवन है, ये एरिया बी थीटा गिवन है. देखो एरिया बिटवीन द एरिया कॉर्ड पीक्यू एंड आर्क पीक्यू, ए थीटा जो है वो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, मतलब ये एरिया है थीटा, ये एरिया. ओके, ये एरिया ए थीटा है. और नेक्स्ट ईयर बी थीटा एरिया बिटवीन द टेंजेंट लाइन, दे टेंजेंट लाइन पी आर एंड क्यू आर एंड द आर्क पी क्यू, ये आर्क है हमारे पास, इसके बीच का एरिया पी क्यू, चलो बी थीटा. तो इसे सॉल्व कर लेते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, मगर होते इजी है. तो दो मिनट देता हूँ उसको, आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ. तो ए थीटा है, ए थीटा क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल कौन सा है, सीई क्यू. तो क्या करेंगे, सेक्टर एरिया कैसे आ रहा है हमारे पास, अगर पूरा जब होता है तो पूरा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. अगर हमारे पास कोई एंगल दिया गया तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन में टू पाई, थीटा अपॉन टू पाई इंटू में पाई आर स्क्वायर, सेक्टर हो गया. माइनस ट्रायंगल के एरिया कैसे आएगा, अच्छा ये एंगल थीटा है हमारे पास और ये हमारे पास अगर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये क्या आएगा, थीटा बाई टू आएगा हमारे पास, ये एरिया. ओके, ये थीटा बाई टू आएगा, ये थीटा बाई टू, तो ये जो हाइट है हमारे पास ये वाली. ओके, ये क्या आएगी, ये आएगी हमारे पास, ये तो आर है हमारे पास, ये रेडियस है ना हमारे पास, तो ये हाइट क्या आएगी हमारे पास, आर कॉस थीटा बाई टू, और ये क्या आएगा हमारे पास,
ये क्या होगा हमारे पास r sin theta by 2 हो जाएगा। होगा ना ये जो हमारे पास है ये r sin theta by 2 हो जाएगा। तो ये अगर r sin theta by 2 टोटल क्या हो गया 2r sin theta by 2 क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ 2r sin theta by 2 into r cos थीटा बाई टू। ओके ये हमारे पास ए थीटा निकल जाएगा। क्या आएगा हमारे पास पाई से पाई कैंसिल थीटा कौन है। अच्छा अभी छोड़ो अब बात करते हैं बी थीटा की। इसीलिए ये क्वेश्चन लेंदी होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए थीटा बी थीटा गिवन नहीं होता है। हमें क्या करना होता है इसको निकालना होता है डायग्राम के अकॉर्डिंग। मैंने इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। ये एंगल अभी थीटा बाई टू होगा। ये एंगल क्या होगा मेरे पास ये 90 हो जाएगा। ये आर है ये क्या हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा मेरे पास बेस। तो ये अगर आर है तो ये पर जो है ये क्या हो जाएगा आर टैन थीटा बाई टू। टैन थीटा क्या बेस अपॉन में सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अब परपेंडिकुलर बेस का होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर निकालना है क्या देगा बेस इनटू tan थीटा। तो बेस क्या हमारे पास r tan थीटा बाय 2 ये tan थीटा बाय 2 इनटू r। तो इस एरिया का मतलब ये एरिया आ जाएगा हमारे पास ये एरिया क्या डबल कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास। और उसके बाद इस एरिया से हम ये सेक्टर पे लगेंगे निकाल देंगे बाहर इस एरिया को सेक्टर पे निकाल देंगे। हमारे पास क्या रहेगा बी थीटा रहेगा। ओके चलो हमारे पास क्या आएगा 1/2 आर इंटू आर टेन थीटा बाई टू माइनस सेक्टर के लिए तुम ये पता ही है क्या है थीटा अपॉन में 2π इंटू में पाई आर स्क्वायर। ओके नोट कर लो इसके बाद क्या करेंगे हमें क्या करना है लिमिट निकालना है। क्वेश्चन को रफ करते हैं क्वेश्चन का कोई काम नहीं है तो क्वेश्चन को रफ कर दिया। हमें निकालना लिमिट थीटा टेन टू जीरो ए थीटा बाय बी थीटा। तो इसकी बात करते हैं क्या किया ए थीटा बाय बी थीटा निकाल देते हैं ए थीटा अपॉन में बी थीटा क्या आएगा थीटा अपॉन पाई से पाई कैंसिल थीटा अपॉन टू पाई आर स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर यहां से टू से टू कैंसिल आर स्क्वायर बाय टू टू से टू कैंसिल माइनस में आर स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा टू से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास टू वैसे रहें तो ये टू टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे क्या था बाय टू अपॉन में क्या है मेरे पास अपॉन में क्या है आर स्क्वायर बाय टू टेन थीटा बाय टू यहाँ पे क्या है पाई से पाई कैंसिल माइनस में थीटा बाय टू आर स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टू कॉमन लेके खत्म कर देते हैं क्या आ जाएगा मेरे पास थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या बचा टेन थीटा बाई टू माइनस में थीटा आर स्क्वायर। ओके अब ये वैल्यू आ गई हमें क्या फाइंड करना था हमें फाइंड करना था लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो ए थीटा अपॉन में बी थीटा ये फाइंड करना था लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो ए थीटा बाय थीटा क्या है थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा बाय टू माइनस थीटा क्या करेंगे हमारे पास यहां पे क्या है थीटा माइनस साइन थीटा क्यूब से डिवाइड कर दें लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो
थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में थीटा का क्यूब इनटू थीटा क्यूब अपॉन में टैन थीटा बाय टू माइनस थीटा अपॉन में थीटा क्यूब। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/6, ये वैल्यू क्या आएगी 1/6। अच्छा अच्छा अब क्या आएगी, यहाँ पे गलत कर दिया है, यहाँ पे आपको टोटल एरिया निकालना था इंटू में टू करेंगे, टू इंटू हाफ, तो टू इंटू हाफ करोगे तो ये खत्म हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास ये खत्म हो जाएगा, टू कॉमन हो गया टू है और यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। ओके अब क्या करेंगे हम यहाँ से टू कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर दिया टू। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास टेन थीटा बाई टू का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे थीटा बाई टू के क्यूब से डिवाइड करेंगे, क्या किया यहाँ पे किया इसमें, अब इसमें हमने यहाँ पे थीटा क्यूब कर दिया और यहाँ पे क्या किया यहाँ पे थीटा बाय टू के क्यूब से डिवाइड किया टेन थीटा बाय टू माइनस थीटा बाय टू और टू कॉमन के यहाँ पे इनटू में अपॉन में क्या है थीटा बाय टू का क्यूब। ओके ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये वैल्यू क्या आएगी 1/6, ये वैल्यू क्या है हमारे पास tan थीटा माइनस थीटा अपॉन में सॉरी tan x माइनस x अपॉन में क्या आएगा x क्यूब, क्या होता है हमारे पास माइनस 1/3, माइनस 1/3 तो यहाँ पे क्या है हमारे पास tan थीटा माइनस थीटा है माइनस 1/3 आएगा और माइनस 1/3 तो उल्टा क्या आएगा माइनस 3 क्योंकि रेसिप्रोकल लिखा हुआ है हमारे पास, इंटू में क्या हमारे पास हाफ, ये वैल्यू क्या आएगा थीटा क्यूब से थीटा क्यूब कैंसिल टू क्यूब चला जाएगा ऊपर, ये रहेगा माइनस टू इंटू 1/2 इंटू में 8 तो आंसर आएगा हमारे पास माइनस 2। ओके नोट कर लो, इसके बाद लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।